गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम आपके ईवीएस की वर्कशीट के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपके लिए ईवीएस की एक वर्कशीट बनाई है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको वो कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया है मैंने, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम ऑफ फूड आइटम्स देयर। ठीक है, आपको अपने किचन से कुछ ऐसे फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो ये इन सेंटेंस से मतलब मिलते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया है मैंने, कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज। मतलब ऐसे फूड आइटम्स के नाम लिखो जो 2-3 दिन में ख़राब होते हैं, मतलब जो 2-3 दिन तक चल जाते हैं। ठीक है, कैन बी कैप फॉर अ वीक। और ऐसे फूड आइटम्स कौन से हैं जो एक हफ्ते तक ख़राब नहीं होते हैं, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ। और ऐसे फूड आइटम्स कौन से हैं जो एक महीने तक खराब नहीं होते। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दीज कुड बी कैप फ्रेश फॉर 1-2 डेज, मैच द करेक्ट पेयर। अच्छा, नीचे आपको कॉलम ए में कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में उन्हें 1-2 दिन तक कैसे आप फ्रेश रख सकते हो उसका मेथड दिया गया है। तो आपको ए फूड आइटम सेलेक्ट करके बी से मैच करना है कि कौन से तरीके से आप उसको 1-2 दिन तक फ्रेश रख सकते हो और उसका एक पेयर बनाना है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। मतलब तुम्हें कैसे फील करते हो जब तुम बहुत भूखे होते हो। ठीक है, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम भूखे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज। तुम्हें कैसा महसूस होगा अगर तुम्हें 2 दिन तक कुछ खाने के लिए ना दिया जाए, अगर मतलब तुमने 2 दिन तक कुछ ना खाया हो तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। अच्छा बच्चों, सिक्स क्वेश्चन है आपका, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 डेज। आपको अगर 2 दिन तक पीने के लिए पानी नहीं दिया जाएगा तो आप कैसे मैनेज करोगे। इसमें ही अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोस। मतलब पानी पीने के बाद कहाँ जाता है, मतलब पानी हमारे पेट में कहाँ जाता है, इसका आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है सेवन, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, थिंक हाउ यू वुड फील कम्प्लीटली द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, आपको ये एनिमल्स दिख रहा होगा पिक्चर में जो कि एक लॉयन है। आपको इमेजिन करना है कि ये एनिमल्स आप हो जो कि एक पिंजरे में कैद है और आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं और उसको आपको कंप्लीट करना है कि आप अगर इस एनिमल के जगह होते तो आप इन सेंटेंस को सोच के क्या क्या फील करते। ठीक है, जैसे आई एम और फ्रीज देन, मतलब जो मैं बहुत डरा होता तो क्या फील करते हो। आई विश, मतलब अगर तुमसे कुछ मांगा जाता तो तुम कौन सी विश मानते। ठीक है, इस प्रकार से आई एम सैड देन, जब मैं दुखी होता तो मैं क्या सोचता हूँ। इफ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मुझे मौका मिलता तो आप क्या करते। ठीक है, आई डोंट लाइक इट ऑल वेन, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और मतलब तुम्हें क्या पसंद नहीं होता अगर तुम इस एनिमल्स के जगह होते, इसके बारे में आपको लिखना है। अच्छा, आठवां क्वेश्चन है, लाइक स्नेक्स चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। जैसे कि आपको पता है कि जो सपेरे होते हैं वो कम्प्लीटली अपने स्नेक्स पे डिपेंड होते हैं, मतलब वो सपेरे जो होते हैं वो बीम बजा के पैसे कमाते हैं, अपने सांप को नचाते हैं, वो इस तरह से रोजी रोटी कमाते हैं, वो कम्प्लीटली क्या होते हैं अपने स्नेक पे डिपेंड होते हैं। ऐसे ही कुछ और लोग भी होते हैं जो एनिमल्स में डिपेंड होते हैं, मतलब एनिमल से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आपको उनके बारे में लिखना है कि वो कौन होते हैं। ओके, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।